हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ई ट्यूटोरियल ऑफ विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजुराहाट। फ्रेंड्स, माय नेम इज धनंजय तिवारी एंड आई विल टीच यू टुडे क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अर्थात विद्युत फ्लक्स, क्या इसी को हम लोग विद्युत अभिवाह कहते हैं। अब इसमें देखें क्या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अविलंबोत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर मान लिए हम कि ऐसे कोई एक पृष्ठ है और एक इसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी, उस संख्या को ही हम उस पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। हम आगे देखते हैं, इसके एक और परिभाषा है। हम मान लिए कि ऐसे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग मान लिए ई है। इसमें कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है या ऐसे इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं। अब यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग मान लें कि ए है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो बनेगा वो बाहर की ओर ऐसे कहीं बनेगा और इसको हम लोग मानेंगे वेक्टर ये। इधर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसको हम लोग मानते हैं क्वांटिटी वेक्टर ई। दोनों के बीच एंगल थीटा हो तो हम जानेंगे कि यहाँ से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, ये फाई, इसको हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इसलिए ई यहाँ लगा देते हैं। तो फाई ई इक्वल्स क्या होगा, ई डॉट ए, अर्थात डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए। इसको अगर हम लोग और बढ़ाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फाई इक्वल्स ई ए कॉस थीटा। अगर हम लोग पृष्ठ छोटा सा लेते तो हम लोग यहाँ पर डी ए ले लेते, तो हमारा ये ई इंटू डी ए कॉस थीटा आ जाता, तो हमारे पास आ गया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये एसआई मात्रक है, इसी को हम लोग गाउस बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोग जान गए कि एसआई मात्रक जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम अथवा गाउस होता है। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। हम इसकी बीमा की बात करते हैं तो इसकी जो बीमा होती है, इसका बीमा सूत्र होता है एम एल दी पावर 3 टी दी पावर माइनस 3 ए दी पावर माइनस 1। इसकी इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, इसको हम लोग इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखते हैं और एरिया का डायमेंशन लिखते हैं, तो हम सॉल्व करने पर इतना ही पाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो अगर कोई पृष्ठ है, सरफेस है, उस सरफेस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंट्री कर रही हैं, यदि सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंट्री कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये ऋणात्मक होता है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर की ओर निकल रही हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है।